शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लगा लो, जल्दी आराम मिल जाएगा। तुझे जो यूं ही ऐसी हुई मैं तेरी दीवानी, तेरी चले मुझ पे अब मनमानी। किस्मत की लकीरों से, किस्मत की लकीरों से पाया है मैंने तुझको अपने नसीबों से। चलती फिरती उदाहरण हो तुम उस कहावत की, आ बैल मुझे मार। चोर को खुद बुलाते हो ना अपने पास तुम। अब ऐसी भूली आंखों से देख के ना ये मत समझना कि मेरी डांट से बच जाओगी तुम, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो अपना तुम, थोड़ा भी ध्यान नहीं रखती हो ना अपना, कैसे ना कैसे करके चोट लगा ही लेते हो खुद को। कीर्ति, आपका दर्द हम समझ सकते हैं, पर एक बात जरूर कहेंगे, जिस शिद्दत से आपने अपना काम किया है ना, हमें और आपके पापा जी को आप पे हमेशा गर्व रहेगा। आप थक गई होंगी ना, आराम कीजिए और फिर जब आप चाहेंगे ना तब हम बैठ के बात करेंगे। अरे बातें बातें छोड़ो ना मम्मी, देखो मैं क्या लेके आया। अरे वरुण, ये सब क्या है बेटा? कीर्ति के पसंद के जूते, कीर्ति के पसंद के कपड़े और भी बहुत कुछ। बहुत अच्छा किया जो आपने कीर्ति के बारे में सोचा। अरे चलिए चलिए, दिखाइए आप हमारी कीर्ति के लिए क्या क्या लाए हैं। मम्मी लाया तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन इन सब में सबसे खास ये हार। इतना महंगा हार? अरे जी, इसकी क्या जरूरत? अरे स्वीटू, मम्मी अगर मैं अपनी पत्नी के लिए इतना भी ना कर पाऊं तो लानत है मुझ पे। वरुण जी, हार ये कितने का है? अरे क्या स्पीड, अब तुम मेरे प्यार को हार की कीमत से तोलोगी? कीर्ति बेटा, अगर मिल रहा है तो ले लीजिए ना, बहुत कम ऐसा होता है कि बिना मांगे गिफ्ट्स मिलते हैं। चलिए आप दोनों गिफ्ट्स देखिए बाकी के सारे और हम आपके लिए चाय बनाते हैं। चलो आप यहाँ पे बैठो बैठो बैठो। उफ स्पीड, आज तो बिल्कुल वैसी लग रही हो जिस कीर्ति पे मैं पहली नजर में ही फिदा हो गया था। सचमुच ये हार ना तुम पे बहुत जच रहा है। ये फोन पक्का बब्बर शेर गैंग वालों में से ही किसी का होगा। अब मुझे कुछ जरूरी काम है, ज्यादा उछल कूद मत करना, आराम करो।
अगर अभय उन लोगों के पास दोबारा गए तो कहीं फिर से किसी मुसीबत में ना पड़ जाएं। अबे, श्रद्धा, बैठ के जितना दिमाग दौड़ाना है दौड़ा लो, पर एक दिन के लिए तो अपने पैर को आराम दे सकती हो ना। पर नहीं, क्या जरूरत थी बैठ से उठने की जब मैंने मना किया तुम्हें? मैं तो आप क्या, मैं तो वो आप जिस चीज के लिए मना करो वही करनी है तुम्हें। मैं तो बस बस समझ में कहा था तुम्हें कुछ भी? पहले आप ये समझिए कि मैं यहाँ पे गिर गई हूँ, मेरे पैर में चोट आई है, आपको मेरी मदद करनी चाहिए और आप है कि अब जवाब दोगी क्यों उठी बेड से? एक तो यहाँ पे एक लड़की को चोट लग गई है, आपको उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन नहीं, आप उल्टा उसमें ही भड़क रहे हैं। वैसे ऐसा कौन सा काम आ गया आपको जो आपको इसी वक्त कहीं बाहर जाना है? अच्छा, हमारा ऐसा क्या रिश्ता है कि ये फालतू के सवाल करती रहते हो मुझसे तुम? भाई फोन ही नहीं उठा रहे, ले हो क्या गया शेरा भाई को? इस लड़की ने फंसाया उन्हें, फंसा दिया मुझे जबरदस्ती यहाँ। खुद को काम हो तो दर्द पे भी बाहर सर पे उठा लोगी, अब मुझे जाना है तो जबरदस्ती बांध कर रखा मुझे अपने साथ, मैं जा रहा हूँ। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकिन अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लड़की शेरा भाई के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित हो जाएगी। इससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसे रास्ते से हटा दो, मार डालो इसे। अरे यार, एक तो तुम्हारे ये बाल, इनको बांध के क्यों नहीं रखती हूँ? क्या देख रही हो? मुझे जाना है जरूरी काम से, चलो उठो। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो आपको इस वक्त जाना है अभय जी? अच्छा, ताजा हवा खाने के लिए आप बाहर जाते हैं, बाहर बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी आपको, समझे? अच्छा, इसका मतलब किसी बहुत जरूरी काम से जाना होगा ना आपको बाहर, हाँ? इतनी ठंड में, बोलिए। तुम्हें क्यों जानना है मैं क्या काम करता हूँ? तुम्हें क्या लेने देना मेरे काम से? हटो। अब बहुत मजाक हो गया, चुपचाप यहाँ बैठी रहो, मैं जा रहा हूँ। हाँ राजा भाई, मुझे नहीं लगता इस बार बॉस से बिना बताए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। हाँ राजा, पता चला कि इसके चक्कर में बॉस हम लोग की खटिया खड़ी कर दे। अबे ये तुम्हारा बॉस है कौन जिससे तुम इतना डरते हो? कौन है ये, कहाँ है? मैंने तो कभी नहीं देखा उसे तुम लोगों के साथ। देखा तो कभी मैंने भी नहीं है कुणाल भाई, सिर्फ आवाज ही चुने लिए। अब चोरी हम लोग की गैंगिज करती है, लेकिन चोरी के पीछे पूरा दिमाग ना बॉस का रहता है, और अगर उनका दिमाग सटक गया ना तो पूरी मुसीबत तो अपने पे आएगी ना भाई। और ऐसे भी तेरे बोलने पे वो छोकरा भाई को अपने काम पे डाला ना मैंने, वो भी बॉस को बिना बताए। किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस इससे इतना कहना है कि ये तुम्हारा शेरा भाई, बब्बर शेर गैंग का लीडर, और पिछले 10 सालों से तुम लोगों के साथ चोरियां करता आ रहा है।
अच्छा, बस इतना बोल देने के पीछे 10 साल से हम लोग की चोरियां कर रहा है। ये मेरे चाचा का लड़का लगता है जो मेरी बात मानेगा? हाँ अभी याददाश्त जा चुकी है इसकी, फ्यूज उड़ गया इसका, और पिछले 10 सालों का इसे कुछ भी याद नहीं। पर अकड़ इसकी लॉन्डो वाली है, तो इसे एक बार बोलेगा ना कि ये तेरा बॉस है और इसके बिना यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो देख कैसे उछल के सारी बात मानेगा। और उस दिन तेरे बोलने पे तेरी तो बात मान गया था मैं, लेकिन हुआ क्या, पूरा लफड़ा तो अपने ही सर पे आया ना। और ऊपर से तू बॉस के नाम पे मास बीस लगा के चोरियां कर रहा है। अच्छा, और मैंने कौन सा सारा पैसा अपनी जेब में डाल लिया है? तुम लोगों का हिस्सा तुम्हें देता हूँ ना, वरना वो अभय जो सारा पैसा तुम लोगों का उन गरीबों में बांट देता है। ज्यादा दिमाग मत लगा, जो बोल रहा हूँ वो कर, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। ठीक है, लेकिन यह आखिरी बार तेरी बात मान ले लूं। क्या नाटक है ये? अब मुझे ना सचमुच बहुत बहुत दर्द हो रहा है। आप आज के लिए रुक जाइए ना, देखिए घर में कोई है भी नहीं, अगर मुझे किसी चीज की जरूरत पड़ गई तो मेरी मदद कौन करेगा? अरे श्रद्धा, एक डॉक्टर से बेहतर तुम्हारी मदद और कौन कर सकता है ना? सही वक्त पे आई हूँ रोशनी, कुछ श्रद्धा की ना पैर पे मोच आ गई, तुम प्लीज देख लो मुझे कुछ काम है, बाय। अबे अबे, अरे श्रद्धा मैं हूँ ना, जैसे मैंने अपनी मोच चुप्पियों में ठीक कर दी वैसे मैं तुम्हारी भी ठीक कर दूंगी। बहुत जल रहा है। ओह, तुम्हें जल रहा है? जानती हो रोशनी, प्रॉब्लम ये है रोशनी कि तुम सिर्फ अपने बारे में सोच रही हो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना अभय किस मुसीबत में है या नहीं। मैं अभय को जानबूझ के रोक रही थी, उनके ऊपर पहले से ही चोरी के इल्जाम है, कीर्ति के ऊपर हमला जो हुआ उसका भी इल्जाम अभय के ही सर पे है। अब अभय को कुछ भी हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम लोगों पे हमला किसने किया, ये सब कैसे हुआ है? चलो अपने लोग की गैंग के नाम पे चोरियां कर रहे थे, हमारी हड्डी फसली कर दी भाई, उल्टा उसके बॉस ने तो तुमको भी धमकी दिए कि वो तुमको भी नहीं छोड़ेगा भाई। उनके बॉस की तो मैं, पहले हमारे नाम पे गरीबों को लूटा, उन्हें मारा, और अब ये सब कुछ, छोड़ूंगा नहीं उसे। अरे मिसेस शर्मा, मिसेस गुप्ता, आप लोग यहाँ कैसे? भाभी जी, बच्चों के स्कूल के क्रिसमस फंक्शन के लिए हम चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। हम लेकर आते हैं। कोई बात नहीं है, मैं देता हूँ। खेलिए। शुक्रिया वरुण बेटा। वैसे तो हम चाहते थे कि इस साल क्रिसमस उत्सव पे कीर्ति चीफ गेस्ट बनकर आए, लेकिन पता चला कि इसने नौकरी छोड़ दी है, शायद इसीलिए प्रिंसिपल मैडम ने मना कर दिया। सुनकर बुरा तो लगा होगा, पर अब क्या कर सकते हैं ना? जब हमें अपने फैसले पे पछतावा नहीं है तो आप लोग हमारे लिए अफसोस क्यों कर रही हैं? हाँ, पर तुम जिस जोश से उस बब्बर शेर गैंग को पकड़ने में जुटी थी और पकड़ नहीं पाई तो बुरा तो लगेगा ही ना। मिसेस शर्मा, आपको आपका चंदा मिल गया ना, तो चलिए। भाभी जी, आप हम पर क्यों भड़क रही है, पूरा मोहल्ला यही बात तो कर रहा है। हाँ, कीर्ति ने ताव में आकर 48 घंटे की चुनौती तो ले ली, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाई क्योंकि तुम इस काम के काबिल ही नहीं थी। मेरी बहन को अपनी काबिलियत किसी के सामने साबित करने की जरूरत नहीं आंटी। कितना आसान है ना आपके लिए अपने घर में परिवार के साथ शांति से बिल्कुल सुरक्षित बैठकर किसी और की काबिलियत पर कप्पे मारना। जिस वक्त आप ये कर रहे थे ना, उस वक्त मेरी बहन धूप में, ठंड में, बारिश में अपनी ड्यूटी कर रही थी। जब आपको कीर्ति की मदद चाहिए थी, आपकी मदद करने के लिए वो हमेशा खड़ी रही है, लेकिन आज आज जब आप सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए तो उसकी काबिलियत पर गप्पे हाँकने आप हमारे घर तक चले आए। दीदू, हम खुद को संभाल सकते हैं, आपको हमारे लिए हर बार बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ,
वैसे भी इस बारे में जो बात होनी थी वो हो चुकी है। कीर्ति ने बहुत सोच समझ के डिसाइड किया है कि अब वो नौकरी नहीं करेगी बल्कि अपना घर संभालेगी। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। और वैसे भी औरत का काम क्या होता है, घर परिवार संभालना। ये कैसी सोच सकती हैं आप? किसने कह दिया कि एक औरत का दायरा सिर्फ घर परिवार और बच्चे तक ही सीमित है? ऐसी ही सोच की वजह से ना लड़कियां आगे नहीं बढ़ पाती हैं। अपने बेटों से तो आप ऐसी उम्मीद कभी नहीं रखती, क्यों नहीं जाकर उनसे कहते कि वो घर परिवार और बाहर का काम एक साथ करें? लेकिन बात जब बेटी और बहुओं पर आती है ना, तो आप जैसे लोग सबसे पहले उन्हें कटघरे में उतार देते हैं। हमारी बहू कीर्ति खरा सोना है, वो जितनी अच्छी बहू है उतनी ही अच्छी अफसर भी है। हमें गर्व है अपनी बहू पे। अब अगर आपका तमाशा खत्म हो गया हो तो आप जा सकती हैं। नमस्ते। कीर्ति, मैं जानती हूँ तू मुझसे बहुत नाराज है, मगर एक बार मेरी बात तो सुन ले। कुछ सुनने समझने के लिए रह गया है क्या दीदू? हमारी खुद की बहन, आपने सच और गलत समझना छोड़ दिया है, तो हम बाहर वाले से क्या उम्मीद रखें? आपको भी पता है कि इस बार आपने गलत का साथ दिया है और उसी का नतीजा है कि आपकी बहन को इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही है। जो भी हुआ है ना, आपकी वजह से हो रहा है। श्रद्धा, बेटा कीर्ति को थोड़ा समय दीजिए, अभी गुस्से से ज्यादा दुखी है वो। आप सही कह रही हैं ताई जी, एक बार कीर्ति का गुस्सा शांत हो जाए फिर उससे बात करने की कोशिश करूंगी। जिम्मेदारी दी गई थी जिसे हम पूरा नहीं कर पाए और इसीलिए हम अपनी नौकरी से इस्तीफा दे रहे हैं। तुम्हारा दिमाग चलते चलते लखनऊ पहुंच गया या नहीं? कहां कोई हो, कीर्ति के लिए परेशान होना? कुछ नहीं बुआ जी, मैं ठीक हूं। मिला है तुमने इसमें? मैंने क्या रोशनी जी, कुछ भी नहीं, दाल में नमक मिला है। डॉक्टर हूं मैं, मसाले में केमिकल को अच्छे से सूंघ सकती हूँ। बताओ क्या मिला है इसमें, क्या मैं अभय को बुलाऊं? अभी अभय के लिए नींद की दवा मिलाई है मैंने। आप भी चाहती है कि श्रद्धा यहाँ से और अभय भैया की जिंदगी से चली जाए, है ना? तो बस इस बार इस नौकर की मदद कर दीजिए। और नौकर नहीं हो तुम, मुझे सब पता है तुम आरती के पति हो, तो मेरे सामने ये नाटक मत करो। ये नाटक तो मैंने अपने भैया के लिए चालू रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं, अब आप भी तो मेरे परिवार का हिस्सा होने वाली है। लेकिन श्रद्धा के इस परिवार में रहते हुए आपको परिवार का हिस्सा बोलने का मौका मिलेगा या नहीं पता। लेकिन इन सब में तुम्हारा क्या फायदा है, और फिर तुम श्रद्धा को लेकर कहाँ जाओगे? और समझ लीजिए कि आपके और अभय भैया के बीच से कोसों दूर हमेशा हमेशा के लिए। एक तो ये जनाब अपनी धुन में रहते हैं, तू सुनेगा या पिटेगा? जी भैया,
कभी तो काम पे ध्यान दे, रोटी ला मेरे लिए। तुझे पता ना मैं ठंडी रोटी नहीं खाता हूं, चल जा दो रोटी बना के लेकर आ मेरे लिए, जा। जी। बहुत गर्मी चढ़ी है ना तुझमें अपने कृपा की, और देख मैं तेरी और तेरी श्रद्धा के साथ क्या करता हूं। सो नहीं सकती, ये चक्कर तो क्यों आ रहा अपना काम कर दिया है, अब मेरी बारी है। इसे घर से निकलवाने की जिम्मेदारी अब मेरी। तुम देखना, अब इसको मैं ऐसा बनाऊंगी ना कि तुम भी नहीं पहचान पाओगे। देख लो भाई, जंगल वैली के उलिये में आया था तुमको टपकाने के लिए, ये भाई दूसरी गैंग का बॉस है। वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे पकड़ लिया है इसको मैंने, तो बहुत तेज है ये भाई। सही किया तूने राजू, हमारे नाम पे गरीबों के साथ बहुत गलत किया है इसने। मैं तो बोलता हूँ भाई, इधर ही ठोक डालो इसको। ये लो, अब इसकी किस्मत ना तुम्हारे ही छात में है भाई। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।